बोलो जय माता दी। Hi guys, thank you for joining Prashika. अब आप बताओ आप कौन हो? आर्या। Bye guys, bye. अब कहाँ जा रहे हो? इसमें आप बता सकते हो? आराम से बोल रहे हैं। No secret. मैं सूरी। अरे? नैनीताल। आराम? कितने बजे निकले थे घर से? मुझे टाइम पहुँच। सवा पाँच बज रहे हैं। देखते हैं कब पहुँचते हैं, ठीक है? आर्यो? कोशिश सवेरा होगी सवेर। तुमने तो कहीं नहीं मोजी को अमीर बनाना। बार 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 यही तो हमारे क्यूटीज से हाय। हाय करो। ये दो तो बिल्कुल सेम हो रहे हैं और मैं और अब हम रुके यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए जहाँ जो नाम है शर्मा फैमिली वैष्णवी ढाबा। नैनीताल जाते हुए बीच में पड़ा हम यहाँ रुके। तो आर्या थकान हुई कुछ? नहीं। सात कुछ बज रहे हैं ना? सात साढ़े सात घड़ी में बजे साढ़े सात। पापा हाय। हेलो। तो पापा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाए यहाँ के बारे में। पता नहीं कौन सी जगह ये काशीपुर से हम आगे निकल गए हैं और यहाँ पर एक रोड पर ढाबा है। यहाँ चाय पीने के लिए हम लोग रुके हैं। बड़ा अच्छा सा लग रहा है, यहाँ पर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक ये हट बनी हुई है। मैं हट दिखा देती हूँ, ये बहुत प्यारी सी हट है। हाय। ये कौन है आगे का देखना? तो हम पहुंच गए हैं गिरिजा देवी। और यहाँ गाड़ी पार्क करके गिरिजा देवी के लिए पहले हम आए यहाँ अंदर जहाँ पर है कुछ शॉप और उस शॉप से हम लेंगे कुछ प्रसाद। तो ज़्यादा टाइम हमें पता नहीं लगा कि लगा है, तीन से चार घंटे ही लगते हैं यहाँ आने के। और हम यहाँ पहुँच गए हैं गिरिजा देवी और नीचे जाके हम लगाएंगे डुबकी। उसके बाद मैं सारा मंजर दिखाऊंगी, अपडेट्स दूंगी। यहाँ के रास्ते से हम जा रहे हैं, आगे भी मार्केट है काफी सारा। तो ये हमारे पीछे आ रही है पलटन। हाय गाइस। अगेन हाय। और हम लोग बढ़ रहे हैं गिरिजा देवी मंदिर की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं लंबी लाइन लग गई है वहाँ सीढ़ियों पे, वो है गिरिजा देवी मंदिर। और वहाँ सीढ़ियों पे बहुत ज्यादा ज्यादा लाइन लगी हुई है। ये वो गंगा जी जहाँ पर हम डुबकी लगाएंगे। डुबकी तो नहीं लगा पाएंगे पर हम नदी। तो अभी हम जहाँ गंगा जी आए थे मैंने दिखाया था और हम वहाँ पर नहा चुके हैं, बहुत सारी हमने मस्ती की। उसके बाद हम रेडी हो चुके हैं और अब हम ऊपर जाएंगे मंदिर और वहाँ पर जाके हम दर्शन करेंगे। प्रसाद हमने ले लिया है हमें थोड़ा सा। और यहाँ हमारे क्यूटीज अपनी मैगी खाते हुए क्योंकि सबसे पहले लग गई है इन्हें भूख। आर्या आरव और तुम लोगों ने पहाड़ों पर आकर टेस्टी मैगी खानी शुरू कर दी। खाना पीना बाद में काम होता। वाव, ये इतनी लंबी लाइन देता है। हाँ दीदी, ऐसा माना जाता है कि मंदिर ना पानी के बहाव से बहकर आया है और फिर ये पहाड़ों में ही बस गया है। मतलब इसके चारों तरफ पानी है, ऐसे बोलते हैं कि पानी के बीच में है। अरे वाह, चारों तरफ पानी है, बीच में ऊपर माता और उसी पानी में भी हम नहाए हैं। बहुत अच्छा नहा के रेडी होके अब हम मंदिर जा रहे हैं पर जिसकी बहुत लंबी लाइन है चल रही है। जय माता की, जय माता की, जय माता की।
खिसक खिसक के हम थोड़ा सा आगे आए और यही पलटन और यहाँ से देखने को मिल रहा है गिरिजा देवी का ये पूरा नजारा। हम मंदिर में आ गए और अब हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। रुकिए जल्दी जल्दी भागो, प्रसाद मिला था गुरुदेव को तुरंत ही खा लिया है। ये रहा मेरे हाथ में। उसके बाद अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर की गुफा में और उसके बाद गुफा में दर्शन करके वापस आएंगे। अब की बार मिलने वाला प्रसाद तुरंत नहीं खाना है, खा लेना है जैसे वो गिरे ना। मैंने तो जो गिरे ना तो वो खा लिया, उसे संभाल के रखना है डॉली। मैं संभाल के रखा तो फिर मैंने को और है तो अच्छा। इसने भी खा लिया, देखो अब तेरी धूप में जो लाइन लग रही है वो देखो। ये चुनते हैं ना, तो यहाँ की यात्रा पूरी हुई। ये है गिरिजा माता और यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। खान पीन से लेकर हमने अपना नाना दोनों सब कर लिया है। सामने से आ रहे हैं पापा, आर्या लेकर आ रही है अपने नाना जी को। कितनी होशियार है हमारी आर्या, है ना। Hey guys, back to my channel, Prashika vlog. मेरी मौसी को अमीन कर दो, मेरी डॉली मौसी को भी, कुत्ते मौसी को भी, सबको अमीन कर दो। Prashika vlogs channel, bye. तो पहाड़ों की सैर करके अब हम पहुंच गए हैं एक डेस्टिनेशन पर। ये लड़की भी सोकर उठी है, ये सो रही थी। मैं जग रहा था, बाबा के पास था। अभी भी हम होटल ढूंढने की कगार पे हैं। ओहो, अभी भी हम होटल ढूंढने के कगार में हैं, पर हम होटल नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन कोशिश चल रही है। थोड़ी सी थकान हो गई है। हम लोग होटल में आ चुके हैं, फाइनली एक फाइनल हुआ। और अब मैं ऊपर, क्योंकि एक बेड है ऊपर भी, और यहाँ से नीचे से आके वो मैं पूरी तरीके से स्ट्रेट खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। हेलो गाइस, तो फाइनली आज मिड से मैंने स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों का फर्स्ट डे ऑलमोस्ट अभी पूरा होने वाला है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कल। हम पता है कितना अच्छा, देखा वो लुक आ रहा है। कैमरा कैमरा तो बड़ा नहीं। और अब है माल रोड जाने की तैयारी, जिसमें मुझे करनी है थोड़ी सी शॉपिंग शायद। इनको शॉपिंग करनी है, हम लोगों को नींद आ रही है, जिनकी शॉपिंग में से हमें भी मार्केट जाना पड़ रहा है। हम डिनर करा कर लाएंगे, बिना डिनर के कैसे सोना चाहिए, है ना। पापा कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, जैसा आप कर रहे हैं वो ठीक है। तो हाय गाइस, हम रात को जा रहे हैं किसी होटल में, मतलब शॉपिंग करने जा रहे हैं। होटल में नहीं, माल रोड जा रहे हैं। माल रोड जाने मतलब कहीं ना कहीं शॉपिंग करने और डिनर भी कराएंगे। आप लोग आप हमारे साथ जरूर सब्सक्राइब करना है, प्रशिका ब्लॉग्स को आप शेयर और बने रहना। बाय बाय। फिर यहाँ है मम्मी और दीदी, इनसे पूछते हैं ये माल रोड जाकर क्या करने वाले हैं। तो थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, आइसक्रीम जरूर खाएंगे। और अगर मैं दिखाऊं होटल को बाहर से, तो ये वो होटल है जहाँ पर हम रुके हैं, जिसका नाम है होटल मून। दिन में गर्मी थी और इस समय बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस हो रही है, तो हमने बुलंद कपड़े पहन लिए। नाश्ता आ चुका है और अब हम करने वाले हैं नाश्ता। हाय आरव, गुड मॉर्निंग। उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। आर्या जरा बताना क्या क्या है नाश्ते में। पोहा, वाओ वाओ, ब्रेड पकौड़ी, और ये है चाय। चाय कौन बना रहा है? नाना जी बना रहे हैं। वाओ, चाय तैयार हो रही है। चाय तैयार हो रही है, क्या इसको मिक्स करते हैं इससे? मिक्स
तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी ब्रेकफास्ट करने के बाद, और अब हम लोग निकलेंगे कहीं घूमने के लिए। जैसे कि नैनीताल में सिर्फ लेक्स ही सबसे ज्यादा है, तो वहीं पर जाएंगे जाने वाले हैं। और सबसे मुक्तेश्वर जा रहे हैं। हाँ, मुक्तेश्वर का प्लान कैंसिल है क्योंकि अगर हम वहाँ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि वो बहुत दूर है। आर्यस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे नैनीताल हम जू भी जाने वाले हैं, तो फिर हम रेडी हो चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करके। अब हम जाएंगे जू में। बाय बाय। हमारे यहाँ से गाड़ी भी दिख रही है। हाँ। इसलिए हमने किसका नाम कैंसिल कर दिया? मुक्तेश्वर का। हम इसलिए मुक्तेश्वर का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बहुत दूर है। बाय। पूरा सहयोग आर्य का रहा है मेरे व्लॉग में, आर्य ने सब बताया। हम ये होटल में, ये हमारे ऊपर वाला रूम है। देखिए गाइस, ये हमारा ऊपर वाला रूम है। आज हमारी नानी हम चल रहे हैं भजन। आप इसके बारे में बोलना चाहिए। हां, बहुत अच्छी बच्ची है। बोलो बोल दिया। और ये है रूम किसी का। ये है हमारा रूम। भैया मौसी कुछ बोलना चाहोगे? हाय, कैमरे से हाथ उठाओ। अब उस मौसी को तो कुछ बोलना चाहिए। हम यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ बच्चे हैं क्यूट क्यूट से, प्यारे प्यारे से, जो हमारी फिल्म बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं हमारा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो बैग थे ये इसे आर्या को मेरा बहुत पसंद आया। आर्या बताओ कितना पसंद आया? ये हां, जैसे ये है अभी जान से भी ज्यादा पसंद आया। तो अभी हम नैनीताल के रोड पर खड़े हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है, आगे का प्लान देख रहे हैं। और हम निकल चुके हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए। यहाँ से 120 किलोमीटर पे चाइना, 90 किलोमीटर पे नेपाल है। ओह माय गॉड। तो अब हम जा रहे हैं लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट देखने के लिए। तो अभी हम पहुँचे हैं नैनीताल के लवर्स पॉइंट पर, जो वहाँ नीचे जाकर है आराम। हमें यहाँ से ये दिख रहा है कि वहाँ पर कितने और घर हैं लवर्स पॉइंट से। वो सामने वाले पहाड़ पर बहुत सारे घर हैं, मतलब एक गांव तो बसा होगा वहाँ पर। और नीचे जाकर सुसाइड पॉइंट देखने को मिलेगा। एक बार और मैं दिखा देती हूँ, ये नैनीताल का लवर्स पॉइंट जो कि है यहाँ पर, जिसमें हम कुछ भी खरीद सकते हैं। हम खा रहे हैं कुकुम्बर। पापा, इस टाइम हम खड़े हैं लवर्स और सुसाइड पॉइंट पर, तो कुछ खास लगा है यहाँ के बारे में थोड़ा सा? क्या जगह के बारे में? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है, इसलिए आने बोल रहे थे। हाय फ्रेंड्स, अब हम आए भुट्टा खाने। देखिए नजर कैसा है। ये है गुड्डा नाथ जी। हाय, देखी मेरी होंगे। अब हम कुछ ज्यादा ही टॉप पर हैं क्योंकि इस टॉप पर है जू। कि मैं भी पहली बार देखी हूं। मम्मी 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 हेवी चढ़ाई थी। और चढ़ाई करने के बाद हमारे जू देखे हैं यहाँ ऊपर। ये जू देख सकते हैं, जू लिखा हुआ है। यहाँ से हमें टिकट लेनी होगी टिकट काउंटर, वहाँ पर खाना है, फूड सेंटर्स हैं, हम यहाँ खा सकते हैं। जो फोटो ये दूसरा है।
अरे देख रही हूँ, सैर हम कर चुके हैं। थोड़ा सा टफ रहा रास्ता, बहुत मुश्किल थी चढ़ाई, उसके बाद ब्रज घाट में बना दिए जाए, हाँ। तो वहाँ पर रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे, गंगा जल का लोगों को जो है दर्शन करने का और ग्रहण करने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, तो मेरी अपनी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये गुजारिश है, जो हमारी ब्रज घाट और टिगरी गंगा है उस पर उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए और उसमें ये सारी सुविधाएँ दी जाएँ ताकि लोग की आस्था भी बनी रहे और लोग वहाँ पर इस तरह का एंजॉय भी करते रहे, वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता रहे, रोजगार भी बढ़ेगा और वहाँ जो है उस क्षेत्र का विकास भी होगा। बिल्कुल, जहाँ पर इस तरह से सभी बोटिंग कर पा रहे हैं और एंजॉय भी कर पा रहे हैं। ये कितना गहरा है? 120 फीट। मतलब जितना ही पहाड़ है? ये पहाड़ क्या कुछ भी है, 120 फीट गहरा। खाए नहीं है आप, रहते ही लोग। आपको डर नहीं लगता? हमारा काम है रोजी रोटी। यहाँ पे फिश कितनी, बहुत बड़ी बड़ी फिश भी है, बहुत 25-25 किलो की, 25 पड़ोसियों। हेलो हेलो पड़ोसियों, की हाल? ये ब्रिटिश टाइम का शहर हुआ और यहाँ पे नैनीताल नैनी झील है, ये नैनी की ताल है, नैना में ये की, नैना में ये की एक तालाब वहाँ पे है, इधर हिमाचल प्रदेश में, ये हिमालय का पानी होता है, हिमालय का पानी है, हिमालय का पानी है। अच्छा, और अब मसूरी की बोटिंग मैंने दिखाई थी, ये नैनीताल की बोटिंग जो हम कर रहे हैं, 120 फीट गहराई है इस झील में। तो पहले डर लग रहा था कि कैसे करेंगे बोटिंग, लेकिन बोटिंग हम भी चला सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। आप दूसरा वाला है। अच्छा, जा सकती हूं वहां से? बाद में जैसे घूम के आएंगे ना। हां हां ठीक है, आप तो हमारे गेस्ट और भगवान कहते हैं ना। हां, अतिथि को भगवान। यहां मम्मी पापा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वादियों में बहुत प्यारी और बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो यहां मंदिर भी है बीच में, मनसा देवी, आरती देवी, नैना देवी की छोटी बहन। अच्छा, गाइस बैठ के देखना। और मैं यहाँ से पूरा ये झील के आसपास का ये दिखा सकती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। देखो पलट के। तो अभी हम थैंक यू बोलेंगे भैया को, उन्होंने बहुत अच्छी बोटिंग यहाँ कराई है। तो भैया सबसे पहले आपका नाम? बाली आर्या। अच्छा, आप कहाँ के हैं? देवी ब्लॉक। क्या बात है, आप कितने साल से हैं नैनीताल में? 26 साल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने यहाँ के बारे में बताया। और अब घूमने के और काफी ज्यादा खाने के बाद हम अभी मैं मॉल रोड पर है जहाँ शॉपिंग की थोड़ी सी और सामने चल रहे छोटे से कॉन्सर्ट। और अब हमारी नैनीताल की ट्रिप हो चुकी थी कंप्लीट, उसके बाद अब हम लोग डिनर के लिए रुके और 2 बजे पहुंच गए थे घर। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ऑल्सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।